दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो SBI ऐप्स में जो है तीन बड़े अपडेट किए गए हैं योनो SBI ऐप्स के अंदर, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाते थे योनो SBI के अंदर, तो वहाँ पर सारा ऑप्शन आपको मिल जाता था। एक ही जगह जो है आप जो है एक ही डैशबोर्ड में आपको सारा ऑप्शन मिल जाता था पेमेंट ट्रांसफ़र करने का और बिजली बिल जमा करने का और आपको रिचार्ज करने का। तो यहाँ पे अगर आप पासबुक अगर देखना चाहते हैं तो आप लॉगिन से पहले ही देख सकते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और अपना जो है पिन डालेंगे, उसके बाद ये जो है पुराना वर्जन पे आप आ जाएंगे। तो ये आने के बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाता था, लेकिन अब जो है आप लॉगिन से पहले ही व्यू बैलेंस और पासबुक देख सकते हैं और क्विक यानी कि मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है व्यू बैलेंस। तो लॉगिन करने से पहले जैसे ही आप अपना ऐप्स ओपन करेंगे योनो SBI ऐप्स, तो ये ऑप्शन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप जो है प्ले स्टोर से एक बार इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद ये वर्जन आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यू बैलेंस है, आपको लॉगिन करने से पहले ही आप अपना व्यू बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे व्यू बैलेंस के ऊपर, उसके बाद हम यहाँ पर अपना एम पिन डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एम पिन डाल लेते हैं, उसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि मेरा बैलेंस यहां पे दिखाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है यहां पे दिखा गया है, और यहां पे अगर आपका एक से अधिक अकाउंट है तो वो भी आपको यहां पे मेंशन करके आप अपना बैलेंस देख सकते थे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप जो है अपना लॉगिन करने के बाद एम पिन डालने के बाद सारा ऑप्शन एक ही जगह आपको मिल जाता था, व्यू बैलेंस, पेमेंट ट्रांसफ़र करने का, पासबुक का ऑप्शन आपको मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको जो है सिर्फ यहाँ पे दो ही ऑप्शन मिलेगा दूसरे ऑप्शन पे। तो जैसे कि एक व्यू बैलेंस अगर आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, तो यानी कि पासबुक यानी कि स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं, तो व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। तो आपको कितने समय में कितना रुपया आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है या आपके खाते में ट्रांसफ़र होकर आया है, और यहाँ पर किस माध्यम से आया है, UPI से आया है या Paytm से आया है या Google Pay से आया है या आप ATM से निकाल हैं या कैश निकाले हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कैश है, UPI है। तो यहां पे बहुत ही आसानी तरीके से आपको यहां पे इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। तो यहां पे पहले आपको इस एप्लीकेशन में ऐसे आपको देखने को नहीं मिलता था, हालांकि आपको पासबुक यहां पे दिखा दिया जाता था, लेकिन ये UPI कैश ये सब नहीं लिखा आ रहा था। लेकिन अब जो है नया वर्जन दिया है और यहाँ पर जो है आपका सभी जो जिस मेथड से आपका पेमेंट आएगा आपके खाता में, जिस मेथड से आप पेमेंट करेंगे कैश या ऑनलाइन या UPI से, सभी कुछ यहां पे मेंशन करके आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए हम यहां पे इसको बैक चलते हैं। बैक करने के बाद यहां पे देखिए तीसरा ऑप्शन है क्विक पे। तो जैसे ही आप यहां पे इंटर करेंगे तो यहां पे देखिए पेमेंट आर नो मोड क्विक एंड सिंपल कमिंग सून, ये जो है बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही ये आएगा क्विक ट्रांसफ़र, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो है आप देख सकते हैं चेंजिंग किया गया है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।